हेलो दोस्तों, नमस्कार। सिद्ध होम स्टे में आपका स्वागत है। लखनऊ शहर में हमने बजट गेस्ट हाउस आप लोगों के लिए ओपन किया है, जो कि कम बजट में आप आसानी से अच्छे कमरे पा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख भी पा रहे हैं और वीडियो मैंने आपको दिखा भी दिया है कि हमारे पास जो सुविधाएं हैं वो लगभग आपके जरूरत के हिसाब से ठीक रहेंगी, जिसमें कि हम 8 इंच का गद्दा दे रहे हैं, बढ़िया चिल्ड एसी रहेगी, बाथरूम रहेगा नहाने धोने के लिए, इसके अलावा साफ सफाई का विशेष ध्यान दिया जाता है, किचन की सुविधा अवेलेबल है। यहाँ पर आपको नॉर्मल प्राइस पर फूड भी हम उपलब्ध कराते हैं। जैसा कि आप देखते होंगे कि मैगी वगैरह अगर आप एक ठेला पे खाते तो 40-50 रुपए की होती है, लगभग सेम रेट हमारे यहाँ भी है। यदि आप खाना खाना चाहते हैं तो खाना भी हमारे यहाँ पर 100 रुपए में थाल है, जिसमें आप आसानी से आपका पेट भी भरेगा, अगर हो सकेगा तो बल्कि दो लोग भी एक थाली में खा सकते हैं, इतना खाना होता है। रूम की जो हम सुविधाएं दे रहे हैं, ये खासकर ये हमारी पहल इसलिए और ज्यादा बढ़ रही है कि जो हमारे स्टूडेंट्स बंधु हैं लखनऊ आते हैं अपना एग्जाम देने के लिए, पेपर देने के लिए, तो कई बार उनको महंगा होटल की वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, उतना बजट नहीं होता है। लेकिन अगर आप एक स्टूडेंट हैं, यदि आप 2 से 3 लोग हैं एक साथ, तो आपको यहां पर कमरा मिलने वाला है मात्र 299 रुपए पर व्यक्ति। 299 रुपए पर व्यक्ति यानी एसी रूम आपको 299 यानी 300 रुपए में आपको एसी रूम हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप 299 के हिसाब से आप चाहें तो 4 लोग, 2 लोग, कम से कम 2 लोग तो होने ही चाहिए, अगर आप इस तरह से करते तो आपको यहां पर इजली एसी रूम मिल जाता। नॉन एसी मात्र 199 रुपए में आप आराम से बेड पे सो सकते हो। इसके अलावा आप चाहेंगे तो ड्रोमेट्री टाइप का भी व्यवस्था है, लगभग इसी रेंज में आता है, लेकिन ये मैं आपको बेड के चार्जेस बता रहा हूं, जो कि आपको डबल बेड पे सोने का 8 इंच गद्दे पर आनंद लेने का जो मजा है वो कुछ अलग ही अंदाज में होगा। तो खासकर स्टूडेंट्स बंधु आप लोगों के लिए ये मैं पहल लेकर आया हूं। ये हमारा द सिद्ध होम स्टे लखनऊ के जानकीपुरम क्षेत्र गुड़म्बा थाना मौर्या भट्टा नहर रोड पर आपको यहां पर कमरे मिलेंगे। यहां पर हमारे पास में लगभग 6 से 7 रूम्स हैं। उस रूम्स में आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी, पावर बैकअप मिलेगा, फ्री वाईफाई जैसी सुविधाएं मिलेंगी। इसके अलावा पानी आपको कॉम्प्लीमेंट्री यहां पर मिलता है, आप ठंडा चाहेंगे तो ठंडा पानी, गर्म चाहेंगे तो गर्म पानी, यहां पर सारी सुविधाएं आपको मिलने वाली है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, यदि आप 4-व्हीलर से आ रहे हैं तो 4-व्हीलर के लिए सिर्फ सिंगल पार्किंग है, एक गाड़ी खड़ी हो सकती है, बाकी 2-व्हीलर पार्किंग हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि बताना इसलिए जरूरी होता है कि कई बार लोग कई होटल्स वाले गुमराह करते हैं लोगों को, तो वो हम गुमराह नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सुविधा के साथ आपको कम बजट में होटल प्रोवाइड करा सकें। अगर आप एक फैमिली से हैं, यदि आप कपल्स में हैं, तो भी आपका स्वागत है, आप आ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि आपकी आईडी 18 प्लस के ऊपर होनी चाहिए। ड्रेस में एंट्री अवैध है, जो कि आपको ड्रेस में एंट्री नहीं मिलेगी। सिंगल आईडी पर आपको रूम नहीं मिलेगा। सिंगल आईडी पर रूम तब आपको मिल सकता है, जैसे आप 2 जेंट्स हैं तो आप एक आईडी पे चेक इन कर सकते हैं, लेकिन अगर आप एक फीमेल के साथ हैं तो आपकी आईडी दोनों कंपलसरी होगी, जो कि नियम किसी भी तरह से खंडित ना हो, कानून को देखते हुए हमें आगे कार्य करना है। मित्रों, अगर मैं प्राइस की बात करूं तो यहां पर आपको रूम मिलने वाला है, अगर कपल फ्रेंडली अगर रूम लेना आप चाहते हैं तो आपको यहां पर मिलने वाला है 499 से लेकर 699, जिसमें आपको एसी और नॉन एसी रूम्स मिलता है। यदि आप फैमिली के साथ स्टे करना चाहते हैं तो यहां पर आपको मिलने वाला है 749 में 24 आवर्स का स्टे यानी एसी कमरा, 499 में नॉन एसी आपको 24 घंटे के लिए हम प्रोवाइड करा रहे हैं। आप सोचिए कि लखनऊ जैसे शहर में अगर आप कहीं भी होटल लेते हैं तो लगभग 1000 रुपए का रेट होता ही होता है। आजकल ओयो से भी आप बुक करते हैं तो 800-900 रुपए लगभग आपको पे करना होता है, लेकिन यहां पर आपको उससे भी कम अमाउंट पे आपको हम रूम प्रोवाइड करा रहे हैं।
सुरक्षा और सेफ्टी की पूरी जिम्मेदारी है, जिससे आपको कोई तकलीफ ना पहुंचे। आपका स्वागत है, एक बार मौका अवश्य दें, हमारे होम स्टे में एक बार जरूर आए। आपने फोटो हमने आपको दिखा दिया है, बाकी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। यदि आपको वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो अन्य लोगों तक शेयर जरूर करना, ताकि कभी किसी को आवश्यकता पड़े तो हमारे पास सीधा आ सके। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।